हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2020 BS6 RENAULT KWID क्लाइंबर 1 लीटर AMT ऑप्शनल वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस जाती है 5.12 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 5.58 लाख। जहां तक इसकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो कंपनी ऑफर करती है 4 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलते हैं स्प्लिट LED डे टाइम रनिंग लाइट विद इंटीग्रेटेड टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन, और इसके नीचे हेडलैम्प यूनिट में आपको बहुत ही शानदार हेलोजन बल्ब दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश और ऑरेंज इंसर्ट्स में। फ्रंट ग्रिल बहुत ही शानदार ब्लैक कलर और क्रोम इंसर्ट्स में रहने वाले हैं। नीचे दिया गया है स्किड प्लेट ट्राई टोन में ब्लैक, ग्रे और ऑरेंज इंसर्ट्स में, जो कि कहीं ना कहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल को बहुत ही एग्रेसिव और शानदार बना देते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे चारों ओर आपको मिलते हैं बॉडी क्लैडिंग, डोर्स पे आपको दिया गया है डोर मोल्डिंग, क्लाइंबर की वेजिंग और यहाँ पे 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है ग्रे कलर में, और यहाँ पे व्हील साइज रहने वाला 165/70 R14। व्हील आर्क के ठीक ऊपर दिया गया है टोन इंडिकेटर, ड्यूल टोन में दिया गया है ORBM ऑरेंज इंसर्ट्स में, और ऊपर रूफ रेल में भी आपको ऑरेंज इंसर्ट्स मिलने वाले हैं, और बी पिलर को पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। इसके डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो सबसे ऊपर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और बहुत ही शानदार यहाँ पे मिलने वाले हैं LED टेल लैम्प सी शेप्ड, और नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में आपको रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। टेल गेट के लेफ्ट साइड रेनो की बैजिंग, बीच में रेनो का लोगो और क्विड की बैजिंग, और इसमें आपको राइट साइड EGR की बैजिंग जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को दर्शाता है। रेनो का लोगो के ठीक बीच में दिया गया है रिवर्स पार्किंग कैमरा। एक बार आपको क्लोज लुक दिखा देता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और नीचे दिया गया है ब्लैक कलर में रियर बम्पर जिसके ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड किया गया है, और नीचे स्किड प्लेट मिलते हैं आपको ड्यूल टोन में ग्रे और ऑरेंज इंसर्ट्स में फ्रंट प्रोफाइल की तरह ही। जहां तक डाइमेंशंस की बात करें तो लेंथ 3731 mm, विड्थ 1579 mm, हाइट 1474 mm, व्हील बेस 2422 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 184 mm, बूट स्पेस 279 लीटर एंड फ्यूल टैंक दिया गया है 28 लीटर्स। ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट डोर की। तो यहाँ पे आपको ऑरेंज इंसर्ट्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल आपको सेंटर कंसोल में ही मिलने वाले हैं, क्रोम इंसर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे ORBM के कंट्रोल मैनुअली दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और नीचे 1 लीटर का बोटल होल्डर, मैगजीन पॉकेट, और एक बार डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कर लीजिए, बहुत ही शानदार प्रीमियम लगता है। यहाँ पे ऑरेंज इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि इसके इंटीरियर को और भी एनहांस कर देते हैं लुक वाइज, और इसके अलावा फैब्रिक अपोस्टी ड्यूल टोन में इंटीग्रेटेड हेडरेस के साथ दिया गया है, और क्लाइंबर यहाँ पे एम्बॉसिंग प्रोवाइड किया गया है ड्यूल टोन में। यहाँ पे ऑरेंज इंसर्ट्स बहुत ही शानदार लगते हैं। चलिए अंदर बैठ के देखते हैं और बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक क्रोम इंसर्ट्स में मिलते हैं, थोड़ी सी स्टोरेज जस्ट उसके आगे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और उसके चारों ओर ऑरेंज इंसर्ट्स, और उसके आगे आपको दिया गया है स्टोरेजेस, 12 वोल्ट का चार्जर, USB और ऑक्स पोर्ट, और जस्ट उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, और उसके ऊपर आपको दिया गया है फ्रंट विंडो पावर विंडो के कंट्रोल, और यहाँ पे बहुत ही शानदार 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करने वाला है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है। इसमें आपको स्पीडोमीटर
और RPM बीच में MID दिया गया, जिसमें आपको ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3-spoke लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश इंसर्ट्स दिए गए हैं और रेनो का लोगो, और इसमें आपको वाइट और ऑरेंज इंसर्ट्स की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। जहाँ तक ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत ही शानदार स्टोरेज ग्लोव बॉक्स में, काफ़ी अच्छी खासी जगह रहने वाली है और आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। को पैसेंजर साइड कोई भी वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है, बीच में आपको दिया गया है कैबिन लाइट, और इसके अलावा ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर प्रोवाइड नहीं किया गया है, और डैशबोर्ड पे आपको क्विड की ब्रांडिंग देखने को जरूर मिलता है। एक बार फ्रंट कैमरा से भी आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर का, जिससे आपको बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही प्रीमियम लगता है। चलिए रियर कैबिन कम्फर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रियर डोर की बात करें तो फ्रंट डोर की तरह ही यहाँ पर आपको ऑरेंज इंसर्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। पावर विंडो के कंट्रोल यहां पे दिया गया है और क्रोम इंसर्ट्स, और एक बार यहां पे इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। बीच में आर्म रेस्ट यहां पे दिया गया है, बहुत ही कम एंट्री लेवल हैचबैक में आर्म रेस्ट मिलता है, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए बात करते हैं इसके लेग रूम और हेड रूम की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलने वाली है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, जस्ट अ सफिशिएंट जगह आपको देखने को मिलता है। हेडरूम की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको दिखा देता हूं, अच्छी खासी जगह यहां पे आपको देखने को मिलता है एक एंट्री लेवल हैचबैक में। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो काफ़ी प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लेआउट लगता है, आपको जरा भी फील नहीं होता कि आप एंट्री लेवल हैचबैक में बैठे हो, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बूट गेट ओपनर लीवर दिया गया है, जिसे हल्के से पुल करके आप बूट गेट को ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कितनी जगह आपको मिल पाती है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार और ह्यूज स्पेस आपको देखने को मिलता है एक एंट्री लेवल हैचबैक में, और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है इस वेरियंट में आपको, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और टोटल 279 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी खासी जगह रहने वाली है। स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील भी प्रोवाइड किया गया है, एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूं आपको। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, उससे रिलेटेड टूल्स आपको प्रोवाइड किया गया है, और इसमें फ्लोर मैट भी आपको ऑरेंज इंसर्ट्स में प्रोवाइड किया गया है, और बूट गेट पर कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है, जिसे आप इस तरह क्लोज कर सकते हैं। इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है BS6 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 67 bhp की पावर 5500 rpm पे एंड 91 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4250 rpm पे। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहां पे दिया गया है, और कंपनी क्लेम करती है 24.04 km/h की माइलेज। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं ड्यूल एयरबैग, ABS विद DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू BS6 रेनो क्विड क्लाइंबर 1 लीटर AMT ऑप्शनल वेरिएंट के, आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।